हेलो दोस्तों, ये दूसरा वीडियो लेके आई हूँ मैं आज आप लोगों के पास। और ये दो पौधे लेके आई हूँ, इनको मैं सही करूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छा प्लांटेशन कर रहे हैं। अभी लगभग ठंड नहीं है, ख़त्म हो गई है विंटर, लेकिन गर्मी भी नहीं है। शुरुआती दिनों में ही इन सबको ठीक करना होता है, गर्मियों के शुरुआती दिनों में। तो किस तरीके से मैं इनको ठीक करूँगी वो वीडियो मैं आपको दिखाऊँगी। सबसे पहले तो मैं इस वाले पॉट को साइड में रख लेती हूँ, पहले इसको करती हूँ फिर बाद में उसको करूँगी। ये देखिए, इसको बोलते हैं वांडरिंग जॉ। इसका जो वीडियो है ये है मेरे चैनल में है, सबसे पहला मेरा जो वीडियो है वो वांडरिंग जॉ से ही रिलेटेड है। और आज मैं दोबारा इसको दिखाऊँगी कि आप जो है कौन से सीज़न में इसको किस तरीके से सही करेंगे, क्योंकि आपने तो लगाया हुआ है, ये ऑलरेडी आपका लगा हुआ है लेकिन ये बिगड़ गया है। देखिए टोटली बिल्कुल सूखा सूखा लग रहा है और ये ज़्यादा फ्रेश नहीं दिख रहा है। इस सीज़न के वजह से होता है, इस सीज़न में आपको इसको ठीक कर लेना चाहिए। इसके बाद में जब गर्मियाँ आएंगी उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छा खिला खिला लगेगा, अच्छा दिखेगा, कलर निकल के आएगा। तो मैं ये पूरा निकाल रही हूँ, अभी पूरा पॉट से निकाल लूंगी। पूरा मैंने देखिए गमला खाली कर दिया और इनको रख दूंगी साइड में। पहले मिट्टी को जो है थोड़ा सा ढीला कर लूंगी और इसमें थोड़ा सा खाद मिक्स कर दूंगी, क्योंकि ये एक साल हो गया है तो इसमें सिर्फ एक साल तक पानी ही दे रही थी मैं, इसमें कोई खाद मिक्स्ड नहीं कर रही थी। तो अभी ज़रूरी है कि इसमें खाद डालूं, तो मैं बताऊंगी आप लोगों के मैं कौन सा खाद डाल रही हूँ। तब तक मैं जो है वो खुरपी वगैरह लेके आती हूँ, वो इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए, ये जो है मेरा, मैंने घर पे बनाया है, ये कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट से ये सब कुछ मैंने बनाया। इसमें बीच बीच में मिट्टी डाला हुआ था और ये बिल्कुल घर का बनाया हुआ किचन वेस्ट्स का कंपोस्ट है, बाज़ार का नहीं है। मैं इस तरह से हमेशा डाला करती हूँ। तो आज मैं ऊपरी ऊपर का जो लेयर है वो मैं अपने घर के कंपोस्ट से भर रही हूँ, कि बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें करना क्या है, आप जितना भी कचरा जो निकलता है सब्जी वगैरह काटने के बाद, उसको आप जो है गमले में डालते रहिए और कुछ कुछ जब जैसे ये थोड़ा सा भरेगा, भरने के बाद में इसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दिया कीजिए, एक लेयर लगा दीजिए मिट्टी का। इसके बाद फिर से आप कीजिए, फिर से आप कंपोस्ट डालिए, फिर से आप किचन वेस्ट डालिए, उसके ऊपर एक और लेयर दे दीजिएगा मिट्टी का। तो ये पूरा तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद में मैं उसको एक साथ में इस डब्बे में रखी हूँ। और ये बड़ा सा गमला लीजिएगा, बड़े से गमले में उस तरीके से तैयार कीजिएगा, पूरा साल चला जाता है, अच्छे से होता है। और किचन वेस्ट जो है हमेशा ही निकलता है, वो तो रोज़ की बात है, आप कर सकते हो। फल वगैरह, फल का भी जो वेस्टेज निकलता है वो सब। तो ये हो गया, देखिए ऊपरी लेयर, ये बिल्कुल घर का बनाया हुआ कंपोस्ट है, बहुत बढ़िया है, इसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। वर्मी कंपोस्ट वगैरह तो बाज़ार में मिल जाता है, अच्छा है वो भी, लेकिन घर का बनाया हुआ वो अलग बात होती है। अभी मैं क्या करूँगी, इन पौधों को जो है जो सूखे हुए टहनियाँ हैं उनसे थोड़े से दूरी पर यहाँ तक तोड़ के इनको मैं जो है यहाँ पर लगाऊँगी। ये सूखा हुआ जो है उसको निकाल दूँगी। ये देखिए, तो बहुत सारे हैं तो मैं थोड़ा हल्का ही करूँगी इस बार। ये देखिए इस तरीके से निकाल के, ये थोड़ा सा जो सूखा सूखा पत्ता है उनको निकाल के तो ये मैं यहाँ पे भर दूँगी। इस तरीके से ये पूरा गमला जो है मैं भर दूँगी। ये देखिए, ये हो गया, ये मैंने लगा दिया।
बहुत फैला हुआ बहुत नीचे तक आ गया था, अभी भी आएगा, अभी बहुत अच्छे से घना होके सुंदर से आएगा, पूरा कलर निकल के आएगा, अभी अच्छा लगेगा। अभी मैंने बिल्कुल छोटा छोटा करके लगा दिया, ऐसा करना होता है गर्मियों के शुरुआत में, किया कीजिए ऐसा। तो ये पॉट में अभी साइड में रखती हूँ, दूसरा वाला जो है इसको लेती हूँ। ये है ग्रीन टैंगल्ड हर्ट, इसको टैंगल्ड हर्ट बोलते हैं। ये भी देखिए बिल्कुल रूखा सूखा बहुत अजीब सा लग रहा है, तो इसको भी मैं जो है ठीक करूँगी। पहले मैं सारा इसको निकाल लेती हूँ जैसे उसका निकाला था, ये बड़े आसानी से निकल के आ जाती है। ये देखिए, देखा बिल्कुल, ये जो है घास है, ये देखिए ये घास है एक्चुअली, लेकिन ये जो हैंगिंग के लिए बहुत परफेक्ट होता है। ये देखिए इसको मैं कैसे निकालूँ, ये बहुत अच्छे से चिपका हुआ है, लेकिन मुझे निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा इससे चला लेती हूँ तो शायद निकल आए। ये देखिए ये अभी बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने वही सेम वाला कंपोस्ट मैंने यहाँ भी डाला हुआ है। अभी मैं बिल्कुल सेम उसी के प्रोसेस में इसको भी करूँगी, यानी कि जो फ्रेश वाले जो टहनी है वहाँ तक तोड़ूँगी और लगाऊँगी, ये जो सूखे वाले हैं उनको छोड़ दूँगी। इसी तरीके से सारा लगा दूँगी मैं। ये देखिए ये पॉट भी बिल्कुल रेडी हो गया, इसको मैं वापस हैंग ही कर दूँगी, हैंगिंग में ही रहेगा और वहीं से ये ग्रो करेगा। तो ये मेरा दूसरा पॉट भी रेडी है, ये भी रेडी है बिल्कुल। अब इसमें सिर्फ मैं पानी दे दूँगी और वापस इसको रख दूँगी इनके जगह पे। तो ये दोनों पॉट बिल्कुल तैयार है दोस्तों। ये देखिए आप लोग भी इसको इसी टाइम में, अगर आपके पास ये पौधा है तो आप भी इसी समय में इसको लगाइएगा। ये बिल्कुल आसानी से लग जाता है, कहीं भी आपको मिल जाएगा, नर्सरी में भी मिलता है और अड़ोसी पड़ोसी में भी तो होगा ही। ऐसा ब्रांचेस लाके बस लगा दीजिए, एक से हज़ार हो जाते हैं ये लोग, और पूरा हैंग होके नीचे तक आएगा, अच्छे से बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन याद रहे गर्मियों की शुरुआती दिनों में ये किया जाता है, पूरे भरे हुए गर्मी में ये बहुत अच्छे से खिला हुआ रहता है। खिला हुआ आई मीन ये ब्लूमिंग प्लांट नहीं है, दिखने में खिला खिला लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा कलर निकल के आता है। पानी इसमें रेगुलर डाला कीजिए, इसको हमेशा नमी में रखना चाहिए, और हल्का सा धूप मिल जाए सुबह, पूरे दिन धूप में नहीं रखना है, जल जाएगी। तो ऐसे जगह पे मेरा भी जो हैंगिंग का जो इनका जो जगह है वो बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें सुबह की ही धूप मिलती है, बाकी पूरा दिन इसको नहीं। और ऐसे जगह पे रखने से इनको आप अच्छा देखेंगे, खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, दूसरा वीडियो लेकर मैं बहुत जल्द आऊँगी। अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे देखा और आपने कुछ सीखा होगा इससे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, मुझे आपने आखिर तक देखा, नमस्ते।